Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you're working hard. Today we are going to start our new session, new practice set. और इससे पहले हम cover कर चुके हैं अपने other practice set और books जो classic 7 और grammar. So आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे channel की playlist में जाकर देख सकते हैं. So let us start. Our first question here. 46 to 55. Fill in each of the blanks with a suitable word choosing from the alternative given below. So यहाँ पर हमें ये alternative fill करना है. The sentence I don't know what he said is. This is a sentence यहाँ पर given है कि मैं नहीं जानता उसने क्या कहा. ये कौन सा sentence है? Compound है, complex, सिंपल या नन ऑफ. दिस इज नन, NONE, नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स किसी वर्ड से ये ऐड होता है, जुड़ता है. जैसे आई डोंट नो, कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं. ये देख लीजिए, आई डोंट नो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि मैं नहीं जानता. वट ही सेड कि उसने क्या कहा, इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट है, आई लुक फॉरवर्ड टू डैश सच कोऑपरेशन इन फ्यूचर टू. सो इसमें ऑप्शंस हैं गेट, टू गेट, गेटिंग या टू हैव गॉट. अब यहां पर जो राइट आंसर है, आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग या टू गेट या टू हैव गॉट. मीन्स इसमें सिंपल वर्ब की फॉर्म आएगी गेट. ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. आई लुक फॉरवर्ड टू गेट सच कोऑपरेशन इन फ्यूचर टू. तो मीन्स इसको कंप्लीट फिल करके देख लीजिए कि इसकी सेंस कंप्लीट बन रही है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, थाउजेंड डैश थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड. सो 1000 जो मछली की जो प्रजाति है वो खोजी जा चुकी है. मीन्स एज मैनी एज मच एज या मच एज. इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो एज मैनी के जो रूल्स हैं वो फॉलो किया जाता है इसमें. और आपको वो ही फिल करना है जो बेसिक होता है, चाहे हमें कुछ भी दिया गया हो. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एज मैनी एज. क्योंकि एज का जो रूल होता है, एज मैनी एज थाउजेंड स्पीशीज ऑफ फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये होता है करेक्ट. सो नेक्स्ट है, वन हु फील्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु फील एट होम इन एवरी कंट्री इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन. दिस इज एन हेयर मीन्स राजधानी संबंधी, सिटीजन, डेनिजन या कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन होता है जो विश्ववादी मीन्स यूनिवर्सल. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी, डेनिजन. डेनिजन क्या होता है? जो है इनहैबिटेंट होता है, निवासी. नेक्स्ट है, नो सूनर डैश शी विंड द टॉय देन. दिस इज देन नॉट तीन, टी एच ए एन. ये रोल होता है ना कि नो सुनर के साथ ऑलवेज देन होता है. इट स्टार्टेड डांसिंग की जैसे ही उसने टॉय को हवा में फेंका वो नाचने लगी. डिट डज हैज या हैड, ही सिंपल जैसे टेंस का क्वेश्चन है. सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, नो सुनर डिड शी विंड द टॉय. क्योंकि डिड के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है. सो ये देख लीजिए क्या फील होगा इसमें, इट स्टार्टेड और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है. सो जो इसके सेंस बन रही है वो डिड के साथ कंप्लीट सेंस होती है. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, द अपोजिट वर्ड डल. डल क्या होता है? जैसे बोरिंग, क्लेवर, कलर्ड, ब्राइट या यूथफुल. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन ए, क्लेवर, जो चालाक होता है.
Next is, since the principal was on leave, the meeting had been dash. कि जब से प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं, मीटिंग जो है वो क्या हो रही है. पुट ऑफ, पुट अप, पुट डाउन या पुट इन, मीन्स ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं. मीन्स एक ही वर्ड के साथ अलग अलग जो ये प्रपोजिशन यूज़ होती है इससे इसकी सेंस चेंज हो जाती है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, पुट ऑफ, यानी कैंसिल हो जाती है. पुट ऑफ मीन्स कैंसिल हो जाना या डिले हो जाना. नेक्स्ट है वन डैश अबाइड बाय, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज. द लॉज, अबाइड बाय मीन्स जैसे पालन करना. मे, कुड, नीड या शुड, मीन्स इसमें क्या फील करना चाहिए कि हमें लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं, उनका पालन करना चाहिए. मीन्स दिस इज नॉट ए कंपल्शन. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, शुड. देन नेक्स्ट, ही विश्ड दैट शी डैश गेट वेल सून, कि उसने इच्छा की है. विश मीन्स उसने कामना की कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. मे, माइट, शुड या विल. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी, ना कि विल, यहाँ पर शुड, कि उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए. मीन्स ये नहीं कि जैसे हमें यहाँ पर विश दिखा और हमने मे फिल कर दिया. नो, क्योंकि वाक्य की जो सेंस है वो है कि तुम्हें अब जल्दी ठीक हो जाना चाहिए. मीन्स ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कुछ इस तरह के होते हैं. सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग, मीन्स सिनोनिम से. एंशियंट, दिस इज वेरी इजी. एंशियंट होता है प्राचीन. न्यू, मिंट, एज्ड या सागा. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, एज्ड. यानी सिनोनिम बताना है हमने, अपोजिट नहीं बताना है. मीन्स एज्ड जो काफी उम्र दराज है यानी पुराना है. नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम मीनिंग. प्लंटी, प्लंटी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में. मीन्स लॉट, स्केर्स, गिफ्ट या बोनस. सो राइट आंसर इज हेयर आई थिंक ऑप्शन ए, क्योंकि लॉट भी बहुत ज़्यादा होता है और प्लंटी भी. सो नेक्स्ट है, चूज द वर्ड. इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो एंटोनिम और सिनोनिम वाला टॉपिक कवर करता है. Choose the word that can join the two given sentences. So, इसमें क्या है कि वो word हमें choose करना है जो दो sentences को means join कर रहा है. Write properly, don't write at all. Means ढंग से लिखो और इस तरह नहीं लिखो, या फिर ना लिखो. Means इस तरह की wording है यहाँ पर. But, and, so or. मीन्स इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो इसको कंप्लीट करता है. सो यहाँ पर है राइट आंसर ऑप्शन डी. मीन्स यहाँ पर ऑप्शन है कि या तो ढंग से लिखो या फिर मत लिखिए. मीन्स यहाँ पर अपोजिशन नहीं है. सो यहाँ पर ये चॉइसेस है. ये चॉइस वन है कि आप या तो ठीक से लिख लीजिए या फिर आप मत लिखिए. तो ये और जो वर्ड है ये इसको कवर करेगा. मीन्स ये इसके बीच में आएगा. नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस. शी इज प्रेटी, शी इज प्राउड. वह प्यारी है लेकिन उसे घमंड है. बट, बिकॉज, व्हाइल और नॉट. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें एक ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन देखने को मिलते हैं कि वह सुंदर तो है लेकिन घमंडी है. तो यहाँ पर जो इसको कंप्लीट करता है ऑप्शन ए, बट. क्योंकि शुरू वाले में हमें उसका जो सेंस है वो बताता है कि वो सॉफ्ट है, प्यारी है. लेकिन नेक्स्ट ही जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिविटी को दिखाता है कि नहीं, वो उसे घमंड भी है. तो जो बट है ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है. आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. द लीव्स
वर येलो एंड स्टिकी. तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? लीव्स हैं, वर येलो या स्टिकी. ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, लीव्स वर्ब है. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन. सो इसमें जो वर्ब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो लीव्स हैं वो पत्ते को कंसिडर करते हैं. सो ये हमें देख के एकदम से नहीं फील कर रहा है कि लीव्स यहाँ पर हैं, लीव लेफ्ट लेफ्ट. आप इसको ध्यान से देखिए, कंसिडर करिए, फिर इसको फील कीजिए. सो यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है यही इसका वर्ब है. सो नेक्स्ट है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ. तो नाइफ का प्लूरल क्या होगा? दिस इज टू इजी. नाइफ, नाइफीज, नाइव्स या नाइफ्स. सो इस तरह की जो वर्ड होते हैं वो वी में चेंज होते हैं. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी, मींस वी ई एफ को साइलेंट करके वी आ जाता है. नाइव, नाइव्स, जैसे वाइफ का हो जाता है वाइफ्स. ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू आई वी एस मीन्स. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग रिसीव. मीन्स ये तो दोनों ही रोंग है, आर आई. इसमें देख लेते हैं, आर ई सी आई ई वी ई या आर ई सी आई. आप इसको डायरेक्ट लिख के देख लीजिए, आर ई सी ई आई वी ई. तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, आर ई सी ई आई वी ई. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग पोजेस, पोजेसेस, पोजेस और पोजेसेस. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोजेस, पी ओ डबल एस ई डबल एस. नेक्स्ट है, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, लॉन्गर, मैथमेटिक्स, ग्रामर या अरिथमेटिक. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए मैटिक्स. देन नेक्स्ट, विच इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. मीन्स यहां पर हमें देखना है कि कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है. क्वाल, क्वाल क्या होता है? झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग, डिस्कॉर्ड या क्वेरी. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेरी क्या होता है? क्वेरी होता है किसी चीज की जांच करना. सो बाकी इसके सिनोनिम है मीन्स डिस्कॉर्ड, झगड़ा, फसाद. जैसे एक फेमस आइडियम्स आती हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी फसाद की जड़ है. नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ई आर एट इट्स एंड और फॉर्म ए न्यू वर्ड. मीन्स इनमें से आपको ऐसा वर्ड चूज करना है जिसके बाद में आप ई आर नहीं लगा सकते हैं और नया वर्ड बना सकते हैं. सून, क्विक, टाइम या विच. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी, टाइम के पीछे हम ई आर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. बाकी सब में लग सकता है. नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. देयर आर नॉट डैश पीपल हेयर. तो जैसे पीपल लोगों की बात है, गैदरिंग्स की. सो गैदरिंग्स के लिए क्या यूज किया जाता है? मच, मैनी, अलॉट या सम. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, मैनी. और इसके ऊपर हमने स्पेशल एक वीडियो भी बनाई हुई है, सो आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. इसमें जो ऑप्शन इसको शूट करता है वो फिल करना है. यू शुड डैश योर होमवर्क. तो यहाँ पर एक सिंपल एडवाइस दी गई है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए. सो मेक, डू, वर्क या गिव. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, यू शुड डू योर होमवर्क, कि आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर.
अब इसमें वर्ड ऑर्डर्स देखना है कि किस वे में इसको लगाना है. आई लेंट माई पेंसिल हिम, माई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम आई लेंट, और आई लेंट हिम माई पेंसिल. सो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर इसमें फिल किया गया है वो है ऑप्शन डी में, आई लेंट हिम, मैंने उसे दी अपनी पेंसिल, माई पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर वन और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू. सो ये पैसिव एक्टिव पैसिव फॉर्म में है ये. नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड एल वाई एट द एंड एंड फॉर्म ए न्यू वर्ड. मीन्स इसमें से आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें आप एल वाई लगा सकते हैं, सून, लेट, नाउ या फास्ट. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, टेक, चीफ या बिहेव. यहां पर हमें प्रीफिक्स गिवन है कि किस वर्ड में प्रीफिक्स का यूज किया गया है, नन, दिस, इन या मिस. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, मिस, क्योंकि इसमें मिस चीफ, मिस से मिस चीफ बन सकता है, बाकी और इसमें ऐड नहीं हो सकता है. मीन्स ये कंप्लीट वर्ड बनना चाहिए. नेक्स्ट है 107, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन, ही डील्स डैश राइट्स, इन, विद, एट या ऑन. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, ही डील्स इन राइट्स. नेक्स्ट है, विच सफिक्स कैन बी यूज विद फॉलोइंग वर्ड्स. अब इसमें सफिक्स ऐड करना है जो वाक्य के अंत में आते हैं, जो प्रीफिक्स होते हैं वो शुरू में ऐड होते हैं, जैसे स्पून या माउथ. अब देख लीजिए, स्पूनली होता है, माउथफुल होता है, कौन सा वर्ड इसमें यूज होगा. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, माउथफुल होता है. नेक्स्ट है, फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर, शैल वी गो टू द जिम नाउ. अब हम जिम में चले. आई एम टू टायर्ड, इट इज़ वेरी गुड, नॉट एट ऑल, आई सपोज यू कैन. मीन्स अगर हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं तो जो अगले पर्सन का जो है उत्तर क्या होगा, नॉट एट ऑल. शैल वी गो टू द जिम नाउ, क्या हमें अब जिम जाना चाहिए, नॉट एट ऑल, तो ये इसमें बिल्कुल बेस्ट आंसर रहेगा. सो नेक्स्ट है, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेज. मीन्स इस तरह के जो बेसिक ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं, जैसे एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. जैसे द टॉल गर्ल मेट ए बॉय, तो इसमें टॉल गर्ल मेट या बॉय, क्या इसमें एडजेक्टिव है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, टॉल. मीन्स एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन पर्सन की क्वालिटी को भी बताता है. जैसे गर्ल और बॉय क्या हो गया, इसमें नाउन हो गए, ये वर्ब हो गया. तो इस तरह आपको सिंटेक्स की नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट है, विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली. अब इसमें ये हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड लवली का एंटोनिम नहीं है. पहले तो जो इसके आप इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले इसका वर्ड बन रहा है आप डायरेक्ट वो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो नहीं बनता उसको सिलेक्ट कर लीजिए. जैसे टॉल, अगली, ड्रैब या ऑफुल. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, टॉल. लवली का क्या एंटोनिम नहीं बन रहा है, लवली का नहीं बनता है टॉल. नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट आंसर, व्हाट इज योर सिटी लाइक, कि तुम कौन सी सिटी पसंद है. आई हैव नो आइडिया, इट्स ए स्मॉल बट नाइस, आई लाइक इट अलॉट, आई डोंट लाइक इट. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, इट इज़ ए स्मॉल बट नाइस, ये छोटी है लेकिन प्यारी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 113, आइडेंटिफाई द वर्ब एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस.
इसमें एडवर्ब देखना है. दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन. द वीकर बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली. आई थिंक एडवर्ब इज वेरी इजी क्योंकि मोस्टली जो एलवाई जो वर्ड्स होते हैं दैट इज एडवर्ब. ऑप्शंस हैं वीकर बॉय स्लैप्ड और लाउडली. ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब. दिस इज नाउन एंड दिस इज एडवर्ब. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी लाउडली. नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ड्रॉट, ड्रॉट फ्लड, ब्रॉट ड्राइनेस या रिवर. ड्रॉट होता है जैसे सूखा होता है, अकाल. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन ए फ्लड. नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट्स इन मीनिंग द गिवन वर्ड. एबिलिटी, एबिलिटी होती है योग्यता. फीसिबिलिटी, अनएबिलिटी, डिसएबिलिटी या इनएबिलिटी. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी इनएबिलिटी होता है. एबिलिटी, इनएबिलिटी, योग्यता, अयोग्यता. चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर. यहाँ पर सिंटेक्स देखना है. म्यूजिक जैक्स लव, म्यूजिक लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक या जैक्स म्यूजिक लव्स. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी ऑफकोर्स. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. सो हमें जो यहाँ पर कई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मोस्टली जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. सो ये बेसिक रहेगा ग्रामर का और इससे रिलेटेड हमने ये टॉपिक्स कराए हुए हैं पहले भी. सो यू कैन सी इन आवर वीडियोस. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. इट वाज माय ब्रदर हु वेंट विद हर, शी, ही या हिज. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए हर. हु वेंट विद हर. नेक्स्ट है What are the words that spelt the same backwards called anagram, abbreviation, crossword या palindrome? So, right answer is here option D, that is palindrome. Palindrome, palindromes means विलोम पद होता है जो मीन्स यू कैन से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्द या कविता जो उलटकर पढ़ने पर भी सेम की सेम ही रहे, जो कि त्यों रहे. सो वो पैलिंड्रोम होता है. नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स. बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सेस या बॉक्सेस. दिस इज टू इजी. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी बॉक्स, बॉक्सेस या फॉक्स, फॉक्सेस. ये प्लूरल फॉर्म है. चूज द सिंगुलर, सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स. लीव्स, लीव्स, लीव, लीव, लीवी या नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी लीव. जैसे लीव, लीव्स, इस तरह के कई वर्ड्स होते हैं जैसे नाइफ हो गया, नाइव्स, और वाइफ हो गया, वाइव्स. नेक्स्ट है 136 to 150. सो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज. सो ये पैडागोजी एज वेल एज साइकोलॉजी से रिलेटेड है. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट, टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम, और टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन. Means you can say what is a facilitator. Facilitator means a person who gives a lot of opportunities to his or her learners.
मीन्स फैसिलिटेटर एक ऐसा मीन्स टीचर को कहते हैं जो अपने स्टूडेंट्स की मेंटली एज वेल एज साइकोलॉजी हेल्प करें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. मीन्स वो क्रिएट करता है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपने लर्नर्स के लिए ताकि वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग. सुपरवाइज रीडिंग सेशंस, कंट्रोल राइटिंग टास्क, पीयर असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट. मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि जो लर्नर्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लर्निंग के लिए वो क्या होनी चाहिए. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीयर असेसमेंट मीन्स पीयर ग्रुप्स जो अपने क्लासमेट्स के साथ जो बच्चे डिस्कशन करके वर्क बनाते हैं या क्रिएटिविटी एक्टिविटी करते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट. द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज जो असेसमेंट दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है. टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टू डिसाइड पास और फेल. मीन्स बच्चे को लर्नर्स को जो असेसमेंट दी जाती है वॉट इज द पर्पज ऑफ दैट. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स कि बच्चे ने क्या सीखा है. मीन्स मेनली बच्चे ने जो सीखने की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक है. मीन्स एज मेंटली. नेक्स्ट है व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन दे विल एनहेंस देयर फ्लुएंसी, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. जब लर्नर लैंग्वेज को सीखना चाहता है स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन को दे इन्हांस देयर फ्लुएंसी. मीन्स उनको स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं इसके अंदर जो छिपी होती है, क्योंकि जो फ्लुएंसी होती है दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल्स. और स्पीकिंग कहाँ से आती है, दैट इज रिलेटेड टू लिसनिंग. नेक्स्ट है Instead of asking questions and getting answer from her learners, a teacher gives some short texts and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to कि अगर टीचर बच्चे से शॉर्ट टेक्स्ट या कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका मेन जो मोटिव्स क्या होता है. टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टी फेस बाई टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, एनहेंस द लर्नर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर्स. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी. मीन्स जो टेक्स्ट पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो लर्नर्स की एनालिटिकल एबिलिटी थिंकिंग को सुधारा जाए. नेक्स्ट है Reading between the lines as a sub-skill of reading mainly involves understanding the state facts, giving sufficient space between lines, inferring the unstated using the contextual and verbal clues, and identifying the grammatical item. So right answer is here option C, inferring the unstated using the contextual एंड वर्बल क्लोज. मीन्स उनको कुछ जो मेनली जो सब स्किल रीडिंग अगर बच्चे में को इंक्रीज करनी है तो आप ये वाली कॉन्टेक्स्ट जो होता है और वर्बल क्लूज के देकर इसको इंक्रीज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन. जो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल होती है वो टीचर्स की हेल्प करती है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर, इवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल्स एंड गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस. सो मेनली जो पैडागोजी होती है उसमें जो कंसर्न जो एरिया होता है दैट इज फोकस्ड ऑन लर्नर,
वो लर्नर की फैसिलिटी को ज़्यादा पॉज करता है. लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न्ड ओनली थ्रू, जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कब सीखी जाती हैं, ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स इफ दे आर टॉट इन एन इंटेग्रेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स एंड व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, कि अगर उनको सीक्वेंस में सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ आती है. मीन्स किन स्किल्स की बात हो रही है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन ग्रुप वर्क. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक क्लू छुपा होता है. वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोयम, एक ग्रुप समरी लिखता है. अनदर ड्रॉज अ पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम, दूसरा पिक्चर के मीडियम से थीम लिखता है. एंड यट अनदर सेट्स द पोयम टू म्यूजिक. दिस एक्टिविटी, अगर टीचर ये एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में, इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट and will distract the learners from the lesson. So right answer is here option B, caters to diverse abilities and interests. क्योंकि जो लर्नर की अपनी खुद की एबिलिटी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा. सो इससे डाइवर्सिफिकेशन का रूल लागू होगा और बच्चे अच्छे से काम कर पाएंगे. Correct speech habits can be developed most effectively through pronunciation practice, vocabulary practice, quizzes या dictations. So right answer is here option A, pronunciation practice. जो correct speech बोलने की जो आदत है वो हम अपनी pronunciation means उच्चारण शक्ति के माध्यम से पा सकते हैं. Next है, after a storytelling session the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners. कि अगर learners को ये पूछा जाए story का end करने के लिए, understand grammar better, develop library reference skill, evaluate the teacher's originality, become imaginative and creative. So right answer is here of course option D, क्योंकि ये बच्चे में जो इमेजिनेशन होती है और क्रिएटिविटी होती है उसको इंक्रीज करती है. क्योंकि जो एंडिंग सोचने के, जो अच्छी एंडिंग है या हैप्पी एंडिंग है उसके लिए इसको सोचना पड़ेगा, एनालिटिकल थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी. सो दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिविटी. नेक्स्ट है, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्नर, लर्नर्स आर एनकरेज्ड टू discover the rules of grammar from examples, avoid error completely, practice language drills mechanically and learn the grammar rules by rote. So right answer is here option A, discover the rule of grammar from examples. Means अगर constructivist की बात आती है approach की, अगर आप जैसे for example आप कोई line पढ़ रहे हैं तो आप उसमें subject देख सकते हैं, grammar के rule देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है. सो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रामर. नेक्स्ट है, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, इन एक्ट द प्ले, get detailed explanations about the play from the teacher and read the play silently. So right answer is here option B, in act the play. क्योंकि play जो होता है it's just like a drama, जब उसको खेला जाता है मंच पर तो वो ज़्यादा interesting लगता है और उसमें enjoy आता है. So in acting the play. Next है,
The primary objective of using role play is to evaluate dialogue writing skill, to promote the reading habit, to improve the communicative competence, or to develop acting talent. So right answer is here option C. Means to improve the communicative competence. जो genuine reason होता है यानी objective means कि learners की जो improve करनी है communicating जो skills होती है. Next question है, when young learners are asked to read a text silently, they should be instructed कि अगर आपको टेक्स्ट चुपचाप पढ़ने के लिए कहा जाए तो उनको क्या सिखाया जा रहा है. टू स्टॉप रीडिंग whenever they encounter a difficult word or phrase. नेक्स्ट है, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन. टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज इन द पैसेज. टू रीड फास्ट इवन दे डोंट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें. थैंक यू सो मच.